नमस्कार, झारखंड न्यूज एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। इस वक्त जुड़ी हैं हमारे साथ नव निर्वाचित बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद जी, जो पिछले इनके फादर हुआ करते थे विधायक, इसकी माँ भी रही हैं विधायक। अब उसी को आगे बढ़ाते इन्होंने जीत हासिल किया है और बड़े मार्जिन से आपने जीता है, इसका श्रेय किसको जाएगा? इसका श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, श्री योगेंद्र साहु और श्रीमती निर्मला देवी को, जिन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए बहुत त्याग दिया, कुर्बानी किया और बीजेपी सरकार ने जितना उनको टॉर्चर किया उतना ही मजबूती से वो संघर्ष करते रहे हैं। वो हार नहीं माने और अभी भी मजबूती से लड़ाई को आगे हम लोग ले जाएंगे और जनता को श्रेय जाता है। महागठबंधन के जितने कार्यकर्ता नेतागण हैं उनको श्रेय जाता है, आप सभी लोगों को श्रेय जाता है। क्या मानते हैं कि बीजेपी की सरकार के वजह से आपके फादर और आपकी मदर यहाँ से दूर हैं? जी, आप देखिए, यहाँ की विधायक निर्मला देवी और योगेंद्र साहु, श्री योगेंद्र साहु कोई अपराधी नहीं है और ये जनता अच्छे से जानती है। अगर वो अपराधी रहते तो मुझे समर्थन नहीं मिलता, मुझे इतने वोट नहीं मिलते, क्योंकि जनता कोई अपराधी तत्व के लोग को पसंद नहीं करती है, असामाजिक लोग के तत्व के लोग को पसंद नहीं करती है। जनता ऐसे लोग को पसंद करती है जो जनता के लिए हमेशा खड़ा हो, जो जनता से दिल से कनेक्टेड हो, जो जनता के लिए सेफ हो। और जिस तरह से कोशिश किया गया है श्री योगेंद्र साहु और श्रीमती निर्मला देवी को अपराधी दिखाने का, तो उन पे जो भी केसेस किए गए हैं वो फॉल्सली इम्प्लिकेटेड हैं, वो गलत है, फॉल्स केसेस हैं और जिसका जवाब जनता की अदालत में मिल चुका है। और मैं उनकी बेटी हूँ इसलिए मुझे इतना समर्थन मिला है, मेरी पहचान उनसे है, श्री योगेंद्र साहु और श्रीमती निर्मला देवी से है। तो मुझे अगर टिकट मिला है तो जनता का रुझान देख के, जो योगेंद्र साहु और मतलब उसके बाद मुझ पे हो रहा था, तो वो रुझान को चेक करते हुए पार्टी ने सर्वे किया और उसके बाद मुझे टिकट दिया। और टिकट मिलने के बाद जो मुझ पे विश्वास था पार्टी का, जनता ने पूरी तरह से आशीर्वाद दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान कई जगह देखा गया आप भावुक हो गई है, तो क्या किन कारणों की वजह से भावुक हुई थी? मैं बिल्कुल नई थी क्षेत्र में, मेरे लिए पॉलिटिक्स एक मतलब जस्ट एंटरिंग स्टेज था और मेरे मॉम डैड इतने चुनौती वाले समय में नहीं थे। मैं याद करती थी कभी कभी कि मुझे छोटा छोटा प्रॉब्लम होता था तब मैं अपने मॉम डैड को याद करती थी और कुछ भी होता था, छोटा सा भी कुछ प्रॉब्लम होता था तो मम्मी या पापा सॉल्व करते थे, लेकिन इतना बड़ा चुनौती था और मम्मी पापा साथ में नहीं थे और पापा जेल में थे, उनसे कुछ राय मशवरा या आइडिया लेना या उनका सलाह लेना ये भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो कभी कभी मैं भावुक हो जाती थी कि मुझे ये जो उनका जो संघर्ष है, जो लड़ाई वो जनता के लिए लड़ रहे हैं, उसको सम्मान दिलाना हर हाल में मेरा कर्तव्य है, काम है, उसको मैं करूँगी। लेकिन इस चुनौती को मतलब लगता था कि बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और लगता था कि उनका मेरे साथ होना चाहिए था, लेकिन जनता खुद मेरी माई बाप बन के ये चुनाव में साथ दिया। अब विधायक बन गई हैं, प्राथमिकताएं क्या क्या होंगे क्षेत्र की? हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे क्षेत्र में है वो विस्थापन का है। जो मेरी माँ श्रीमती निर्मला देवी और मेरे पिताजी श्री योगेंद्र साहु जी के द्वारा लड़ा गया, और आप जानते हैं कि ये जो बीजेपी सरकार है वो बस कंपनीज पे ध्यान दी है, इसी वजह से उनको इस तरह का उनके साथ जनता इस तरह का परिणाम दी और सिर्फ कंपनीज को फोकस किया, पब्लिक के ऊपर गोलियां चलाई गई, लाठी बरसाए गए, तो ये सारा। और जो आंदोलन कर रहे हैं जो नेता, उनको जेल भेज दिया जा रहा है, उनको राज्य बदर कर दिया जा रहा है, तो इस तरह का चीज़ तो मतलब आप जानते हैं कि बीजेपी सरकार ने सिर्फ ज़मीन लूटने का काम किया है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में हमारे क्षेत्र में, और ये लड़ाई को आगे बढ़ाने का पूरा हम आगे बढ़ाएंगे और विस्थापन का जो लड़ाई है उसको सिस्टम के तहत हम सॉल्व करने का पूरा मेरा प्राथमिकता रहेगा। चलिए, एक बार फिर से और झारखंड न्यूज़ एक्सप्रेस के ओर से शुभकामनाएं आपको।